टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस एंड मॉडल मिस प्रब गरेवाल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती है, चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सत श्री अकाल जी सारे। तो मैम सबसे पहले बताइए, बेसिकली विच इज़ योर बर्थ प्लेस, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है? मेरा बर्थ प्लेस कलकत्ता। ओके, तो लुधियाना में आप कब और कैसे आए? एक्चुअली पापा का बिजनेस इधर था। सॉरी पंजाबी। कोई बात नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मेरे पापा इधर ट्रकों का बिजनेस सीगा ते पंजाबी च जिथे पिंडा में जद्दी जगह होंदी है ना, वो साडा किला रायपुर है। मींस वैसे बेसिकली मैं पिंड किला रायपुर तो बिलोंग करती हूं। हां जी। तो मैम आप जैसे हमने सुना है आप बेसिकली एक्ट्रेस एंड मॉडल रह चुके हैं, तो आपकी ये इंटरेस्ट आपका कब से डेवलप हुआ, और या आपने जब अपना चाइल्डहुड पीरियड टाइम था आपका, तो आपने सोचा था कि आपने बड़े होके इस लाइन में जाना है? नहीं, इदा तो मैं कुछ नहीं सोचा सीगा कि इदा मैं कुछ बनना एक्चुअली, बट मैनू सिंगिंग का बहुत शौक सीगा। कॉलेज स्कूल विच मैं सिंगिंग करती सीगी, जिदा यूथ फेस्टिवल होना तो उत्थे मैनू गोल्ड मैडल भी मेरे आए ने। तो बट ये लाइन टर्न होनी सी, बट मैं पता नहीं सी एक्चुअली। जब मैं यूथ फेस्टिवल करते सी ते मेरे टीचर ने एक वीडियो करना सी अपना, तो उन्होंने मीनस मैनू इदा मीनस कहा कि असी प्रभ भी थोड़ी फीचरिंग बहुत अच्छी है कि मैं अपने वीडियो में लैना। तो मम्मा नू मनाया, तो मम्मा नहीं मने कि इदा मीनस चंगा नहीं समझते लोग। तो ब्रदर नू पुछया, वो कहिंदा कि देख ला जिदा तुहानू ठीक लगता। फिर मम्मा नाल गए सी सैट ते फस्ट टाइम, बट उदो मैनू मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं सीगा, मैनू भी नहीं सी पता कि किद्दां कैमरा फेस करना जां किद्दां कुछ भी। तो बट बहुत वधिया गया सी, वो भी वीडियो थोड़ी टैक्निकली प्रॉब्लम करके वो वीडियो आ नहीं सकिया। तो उस तो बाद उस वीडियो सैट ते मैनू एक डायरैक्टर ने, उन्होंने रविंदर गरेवाल जी दे फिर मीनस वीडियो मैनू रैफर किया। मैं फस्ट वीडियो रविंदर गरेवाल जी का किया, तेरा लगना नहीं जी। तो उदू इन्नी ज़्यादा हाइप मिली सी कि लोगों ने इन्नी ज़्यादा पसंद आया, तो उस तो बाद मेरा करियर स्टार्ट होया। जैसे मैम आपने बताया सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ऑन सेट कोई भी सॉन्ग आपका, कोई भी जो आपका फेवरेट हो आप प्लीज़ सुनाइए सबको। फेवरेट मैं अपनी मूवी आ रही मेरी काके का विआह 1 फरवरी को, तो मैं वह टाइटल ट्रैक की सुना सकती हाँ। जू चल दिए नाल चा बाई जी, अज साडे काके दा विआह बाई जी, सारियां नू गोडे गोडे चा बाई जी, देखो अज किवें पैंदा गा बाई जी। जू चल दिए नाल चा बाई जी, अज साडे काके दा विआह बाई जी। थैंक यू। यू आर ब्लेस्ड विद सच ए ब्यूटीफुल वॉइस। तो एक्टिंग लाइन में कैसे आप चले गए? बस हो गया टर्न। मैम जैसे आपने बताया फर्स्ट एल्बम आपकी आई थी मिस्टर रविंद्र गरेवाल के साथ, उसके बाद फिर आपकी कौन सी एल्बम्स आई और कौन से ईयर्स में आई? उसके बाद हरजीत हरमन जी ना मैं वीडियो किया सी माई नी माई, तो फिर उस तो बाद रणजीत बावा जी का किया सी, तो सतिंदर सरताज जी का मैं ते मेरी जान, तो लेटेस्ट मेरा चल रहा गुरनाम भुल्लर ना पक ठक। हाँ जी। तो मैम उस टाइम पे आपने बताया कि स्टार्टिंग में जैसे पेरेंट्स का थोड़ा सा रहता है कि दिस लाइन इज़ नॉट गुड, तो बाद में आपको पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट मिली? नहीं एक्चुअली मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट सी। मम्मा नू मीनस ऑलवेज जिदा टी वी देखते होंगे से कहें कि पता नहीं एक लोग किदा चलते है ना टी वी, तो मैं जो तू जावें तो मैं तेन देखा कि खुशी हो, बट मम्मा नू बहुत शौक सीगा। तो मैनू अज मैं वही मम्मा नू गल कर रही सी, मैं कहा मम्मा जब तुम जाओगे तो तुम मैं देखोगे बड़ी स्क्रीन पर, मैं वो तुम्हें देखना चाहनी हाँ थोड़ी खुशी। वैसे पेरेंटल साइड में भी कोई इस लाइन में कभी अपना? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ही। मतलब यू आर द फर्स्ट प्रभ गरेवाल। तो इसके अलावा एक्टिंग एंड मॉडलिंग लाइन के अलावा वैसे आपके क्या हॉबीज हैं बेसिकली? वैसे तो सिंगिंग, रीडिंग बुक्स, जस्ट शॉपिंग, ट्रैवलिंग, जो बेसिक होती है वैसे तो। जैसे जब आप एक्टिंग लाइन में आए तो आपका जो फ्रेंड सर्कल रहा होगा या आपके रिलेटिव्स हैं, उनका कैसे रिएक्शन मिला आपको जब आपकी फर्स्ट एल्बम रविंद्र गरेवाल के साथ सुपर डुपर हिट हुई, बहुत अप्रिसिएशन मिला उसको, तो फ्रेंड सर्कल से सबसे ज़्यादा कैसे आपको रिव्यूज मिले? फ्रेंड्स तो ऑलवेज जिदा सपोर्ट करते हैं, बट हुण भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो पर जिदा थोड़ा हो ही जाता है जिदा रिश्तेदार रिलेटिव्स लगा लो कि तुसी अपनी कुड़ी नूं कड़ी लाइन विच पाता, तो ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं फेस करने को मीनस लोग बहुत कुछ बोलते होंगे सके कि इन्होंने अपनी कुड़ी नूं इदां पाता पुट्ठी जी लाइन में, जिदा पिंडा में लैंग्वेज पुट्ठी जी लाइन में पाता, ये भी वधिया नहीं समझते लोग पिंड दे। ते बट हुण जिदा देखते ने काम नू, बट फिर हुण बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते पिंड दे भी, ऑलवेज मेरे पिंड दे पेज ते ऑलवेज मेरी शेयर हुंदा आ पोस्ट मेरी। ओके,
तो मैम अभी जैसे हमने सुना आपकी मूवी आ रही है काके दा व्याह, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट डेब्यू मूवी, तो जी, किस टाइप का रोल है आपका इस मूवी में? इस विच मेरा रोल हैगा, मेरा करैक्टर दा नाम है माही। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਮੂਵੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਮੇਡੀ ਮੂਵੀ, ਇੱਕ ਕੌਮੇਡੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਆਪਕਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟਾਈਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि कुछ ये लाइन ऐसी होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं हमें एक डीमोटिवेशन फेस करना पड़ता है कि ये लाइन अच्छी नहीं है, तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया जहां आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये लाइन गर्ल्स के लिए कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੱਚਵੁੱਡ, ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਟ ਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਆਪ ਸਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। तो इस मूवी में बेसिकली कोई मैसेज भी दिया जाएगा लोगों को, या ये एक वैसे जैसे आपने बताया कॉमेडी एंड फुल रोमांटिक का कॉम्बो एंटरटेनमेंट है? है, बिल्कुल फुल फुल एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है, कोई भी इदा निराश होके नहीं जाऊगा, तो बहुत इंजॉय करोगे तुसी, सारी फैमिली ना देख के आए हो। कब रिलीज होने जा रही है मैम ये? मूवी फर्स्ट फेब नू। हाँ फर्स्ट, जी। तो इसके बाद भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपने मूवी साइन अप की हुई हो? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली बट हजे रिवील नहीं कर सकती, इस मूवी तो बाद में जल्दी प्रोजेक्ट्स आउणगे। तो इस मूवी की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है इस पंजाब? मूवी दी शूटिंग सारी लुधियाना शहर विच ही हुई है, पिंड सी बसैमी पिंड, ऑलमोस्ट सारी उत्थे हुई है। तो मैम एज यू आर वेरी गॉर्जियस, तो बॉलीवुड मूवीज में अगर आपको कोई ऑफर आता है डू यू वांट टू गो देयर आल्सो? ऑब्वियसली, बट हजे पहला बॉलीवुड विच काम कर ली, तो हल तो कुछ स्टार्ट। विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? सारे वधिया ने अपनी अपनी जगह, बट मेरा मैं इदा नहीं कहूँगी, ऑल सारे वधिया आ, आपके अकॉर्डिंग सब अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और बताइए, जैसे पंजाबी मूवीज़ का पहले जो कंसेप्ट होता था, कोई मैसेज होता था या कुछ, आजकल के जो मूवीज़ और सॉन्ग्स जैसे हम देख रहे हैं कि टिपिकली यूथ को ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उनकी देखने की मूवीज़ ज़्यादा होती हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं उन चीज़ों में, आपको लगता है उस टाइप की मूवीज़ अब नहीं बन रही जो पहले के टाइम बनती थी? हाँ नहीं, ऐदा नहीं हैगा, बनती तो डेली, ये नहीं आप जिदा अंग्रेज़ मूवी नहीं, वो हमने जैसे कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा चलती हैं, बट वो एक हम देखें कि फैमिली ट्रैक जहाँ सारी फैमिली एक साथ बैठ के देखे, कॉमेडी मूवीज़ भी देखी जाती हैं, फैमिली सारी देखती है, बट कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज जो मूवी दे सके वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब नहीं बन रही? नहीं ऐदा तो कुछ नहीं है, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर चुकी है ना, डेली बहुत सारी मूवीज़ आउंदी, मैसेजेस नाल ही आउंदियां ने, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ ਆਈ 1984, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਰਥ ਨੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਰੋਲ ਆਗੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਲਸੋ ਪਲੇ ਦੈਟ ਰੋਲ? ਸ਼ੋਰ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो आप सबने देखा, ये थे हमारे साथ गॉर्जियस मॉडल एंड एक्ट्रेस मिस प्रभ गरेवाल जी, जिनकी अब मूवी 1 फेब को रिलीज होने जा रही है काके दा व्याह, और दिस इज़ अर फर्स्ट डेब्यू मूवी विद जॉर्डन संधू। तो प्लीज़ सारे सारे व्यूवर्स से हम लोग अपील करते हैं कि इस मूवी को खूब सारा प्यार दीजिए, जैसे आप सब देते आ रहे हैं, और दिस इज़ अ फैमिली मूवी, सब एंजॉय कीजिए इस मूवी को ऑन 1 फेब। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।